स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव, हर सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ में, किया नजर डालते हैं आज की खबर पे। साहबगंज विकास खंड साहबगंज के कोना ग्राम प्रधान के द्वारा कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए करीब 180 गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जो आसपास के गांव में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इस धरती पर मेरे पिताजी और मैं जीवित रहूंगा, तब तक गरीब व असहाय लोगों की इसी तरह से मदद करता रहूंगा। वहीं उन्होंने बताया कि मैं और गांव में बचे हुए गरीब परिवार को चिन्हित कर रहा हूं, चिन्हित करने के बाद उनको भी कंबल वितरण कर दिया जाएगा। इस मौके पर मास्टर गंगा मौर्य, पूर्व प्रधानाध्यापक राजेंद्र मौर्य, रामजी मौर्य, जोखन मौर्य, राजेंद्र भारती, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि सहित सैकड़ों की संख्या महिला पुरुष व गाँव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। जितेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान कोना। आज जो कंबल वितरण हुआ है किस उपलक्ष्य में हुआ है? मैं गरीबों को हर साल कंबल वितरण करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि मेरे दरवाजे पे 100-150 लोग आते हैं और हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आज कितनी संख्या में कंबल आप बांटे हैं? आज हम 160 के आसपास कंबल बांटेंगे। ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा? आगे भी चलता रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे, हमारे पिताजी रहेंगे इस धरती पर, तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। पिछले साल भी कंबल वितरण किया गया था प्रधान जी आपके द्वारा, ऐसा सुनने में आया है। जी जी। उस साल कितने लोगों को कंबल वितरण किया था? 120 के आसपास। यह कंबल वितरण आप अपने जेब से करते हैं? जी जी, अपने जेब से करते हैं। धन्यवाद। दादी, आपका नाम? गुंजा। आज ग्राम पंचायत एकौना में कंबल वितरण हुआ है ग्राम प्रधान जितेंद्र के द्वारा। पिछले साल भी हुआ था, तो आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको मिला था पिछले साल भी? हाँ, मिला। अच्छा, इस साल भी मिला। देना चाहती हैं आशीर्वाद? तो देखो, ये प्रधान आगे बढ़ो, यह कहा विकास करें। हाँ, विकास करो, जहाँ तक बात है हमारों के देखा, विकास उनका बढ़ो। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? गंगा सिंह मौर्य। आपके लड़के ग्राम प्रधान एकौना के ग्राम प्रधान है, जो कि विगत वर्षों से कंबल वितरण कर रहे हैं गरीबों, असहायों और विधवाओं, गरीब महिलाओं को। इस साल भी 160 के लगभग कंबल वितरण इन्होंने किया है, तो कैसा आपको लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम सपूत तो पैदा हुए घर में, कि गरीबों की शुद्ध बुद्ध लेने वाले लड़के अगर उत्पन्न हो जाएं तो प्रभु के दरबार में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। इनको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा मिली जो है, हमारे ससुर जी भी हैं जो कि 500 कंबल चंदौली में बांटते हैं। तो हो गया, हम रिटायर हो गए, तो हमने सोचा कि अपने कमाई का कुछ अंश जो है गरीबों में जो है वितरित कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है यह क्रिया जो है अपने घर परिवार के माध्यम से जो है हम चलाते हैं। मास्टर साहब, ऐसा भी सुनने में आया कि आपके द्वारा अन्य गाँव के लोगों को भी कंबल का वितरण किया जाता है? हाँ, कुछ मुरकौल और साहबगंज के लोग भी आसपास में हमारे हैं, तो उन लोगों को भी दे दिया जाता है। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।